एक्वास्टार नहीं है क्या? घर आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। नमस्कार, नुजार तक में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित, इस वक्त हम खड़े हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यहाँ पर, और अंडमान निकोबार के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ से मैं आपको बता दूँ, एक छोटी सी यूटी से जो मुताई मिक्स मार्शल आर्ट्स है उसके जो कोच है हमारे साथ जगदिका सर, हम आपको बता दें उसके साथ काफ़ी बच्चे जो है सीख रहे हैं और बच्चे जो है अब आसाम जाकर 24 मेडल्स जीत कर आए हैं, तो काफ़ी खुशी की बात है हमारे दीप समूह के लिए। और अभी सर जो है यहाँ पर आए हैं और काफ़ी लोगों ने जो है इन्हें क्रेच किया और ये काफ़ी बच्चों को सिखाते हैं, और जितने भी बच्चे मैं आपको बता दूं अभी के समय जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दीप समूह का नाम भी रोशन कर रहे हैं और एक 24 मेडल जो है जीत कर आए हैं, तो मैं आपको बता दूं काफ़ी खुशी की बात है। तो आइए हम सर से बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ और 24 मेडल जीतने के लिए इन्हें कितना प्रयास करना पड़ा, कितने लोगों के साथ जो है फाइट करनी पड़ी, आइए हम जानते हैं। हेलो, नमस्ते। हम लोग यहाँ से जो टीम, जो हम चैंपियन जोन मोइथाई क्लब से है, जो अंडमान को रिप्रेजेंट करता है एवरी ईयर इन मोइथाई नेशनल्स, जो यूएमआई यूनाइटेड मोइथाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो करवाता है, इस इवेंट में हम लोग अंडमान को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ से 17 बच्चे लेके गए थे। एंड ये इवेंट में ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 1200 इंडिविजुअल्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ द इंडिया से आए थे, तो टोटल 24 स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करे इंक्लूडिंग आर यूनियन टेरिटरी। तो इसमें जो है अपने बच्चे जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया इस बार, जो हमने 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज लेके आए हैं वापस अंडमान को। एंड मैं ये बहुत ही गर्व से बोलता हूँ कि ये जो हम लोग जब गए थे सिचुएशन बिल्कुल फेवरेबल नहीं था, क्योंकि आप जैसे जानते हो साइक्लोन यहाँ से उस तरफ पहुँच गया था। एंड हम लोग वहाँ जाने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 800 बाउट्स हुआ था, 800 टू 1200 बाउट्स हुआ था इन अलग अलग कैटेगरीज। एंड उन सारे बाउट्स में हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करे। हमारे पास अपने पास जो है जयशीष कुमार जो है स्ट्रेट सेकेंड ईयर गोल्ड लेते हुए गोल्ड इन फाइटिंग एंड ब्रॉन्ज इन वाइकुरू लिया है। एंड अपने पास जैसा रशभ है, मोहम्मद रशभ जो है स्ट्रेट नॉकआउट्स करते हुए कंटिन्यू नॉकआउट करते हुए अपने फाइनल तक पहुंचा एंड फाइनल में भी नॉकआउट करके अपना गोल्ड लिया है, विच इज़ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज अपने यहाँ के फाइटर्स जाके पूरा इंडिया में जो फाइटर्स हैं उनमें हावी हुए, तो वो चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छा लगा एंड गर्व महसूस हुआ अपने प्लेयर्स को लेके। एंड अलग अलग बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जो है सेकेंड ईयर आए हैं, जैसे कृष्णा है, त्रिलोचन ये थर्ड नेशनल है इनका, तो मधु जो पहला नेशनल में सबसे छोटा, अभी इस बार का सबसे छोटा जो गोल्ड मेडलिस्ट है, इन्होंने 8 ईयर्स ओल्ड,
8 ईयर्स ओल्ड, इससे पहले ये थे सबसे छोटे, अभी मधु है जो 8 ईयर्स ओल्ड, ये सबसे छोटा गोल्ड मेडलिस्ट है। एंड अपने पास सिल्वर मेडलिस्ट है, डबल सिल्वर मेडलिस्ट है ये, सो इसको वी हैव ए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट देयर। अपने पास ये एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन है इन प्लस 91 वेंकटना, उनको भी ब्रॉन्ज मिला है फाइटिंग में प्लस 91 में। तो अरशद, मोहम्मद अरशद, इनको भी ब्रॉन्ज मिला है। एंड देन वी हैव शिव, इनको भी ब्रॉन्ज मिला है फाइटिंग में। और वी हैव टू डिफरेंट कैटेगरी, एक फाइट है एक वाइकुरु है, दोनों में अपने लड़के बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। एंड मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ का लोग भी आके इनको सपोर्ट करे। एंड हम लोग को इस बार बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है यहाँ के बिजनेस ओनर्स एंड पब्लिक से, हमको जैसे TSG वाले सपोर्ट करे हैं। एंड वी हैड टेक मैक सपोर्टिंग अस विद टी शर्ट्स, एंड देन वी हैड अंडमान एस्केपेड्स, वो सपोर्ट करे हम लोगों को। एंड देन ये टोयोटा एंड ऑल दिस ब्रांड्स कमिंग टुगेदर, एंड फ्लाई जोन, जैसे फ्लाई जोन, ये सारे ब्रांड्स जो है वो आए हम लोग को सपोर्ट करे, जो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि जैसे लोग हमारे साथ आके जुड़ेंगे तो हम लोग को भी ये लगेगा कि हमारा जो वजूद है सबको पता चल रहा है, जो हमारी मेहनत है सबको पता चलती है। एंड यही मैं यही चाहता हूँ कि सबको जो भी मेडलिस्ट है इन लोग को अच्छा उनका इनका जो मेहनत का फल मिले, बिकॉज दिस टाइम हम खाली प्लेयर से ही नहीं लड़े, खुद क्लाइमेट से लड़े, जो दो दिन हमको उधर ना पानी था ना करंट थी, करंट उसके बावजूद भी ये लोग अभी कोई भी किसी की भी हालत सही में दो दिन से हम लोग सोए भी नहीं, किसी की हालत अभी खड़े होने के भी लायक नहीं है, फिर भी सब लोग अपना बेस्ट दे के अंडमान के लिए मेडल जीत के आए। जगदेकर सर, हम आपसे और भी कुछ सवाल पूछेंगे। सिंस फ्रॉम डे वन हम आपसे जुड़े हैं, और जब भी आपका कोई भी प्रोग्राम होता है, कहीं भी होता है, तो आप हमें बुलाते हैं और हम आते हैं और कवर करते हैं, तो हमें भी काफी अच्छा लगता है कि देख के आप बच्चों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं, और आपके साथ काफी बच्चे जुड़े हैं, और इस बार आपने जो मुकाम हासिल की है तो ये नेशनल लेवल पे था और इंडिया के हर क्षेत्र के लोग थे, तो आप बताइए सर, एक छोटा सा यूटी है और ये जाकर आप 24 मेडल जीत कर आए हैं, तो कितनी अच्छी बात है हमारे द्वीप समूह के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सर, आपको रिसीव करने के लिए मैं आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है नाकाम रही है, क्योंकि इसमें उनका सपोर्ट मिलना चाहिए। आप जाकर जब जीत कर आए हैं तो इस यूटी का नाम आप रोशन कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स काउंसिल को भी आना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा देखता हूं कि जब भी सिर्फ आप ही नहीं, कोई भी अगर आते होते उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो ये हमें देखकर काफी खराब लगता है, क्योंकि अगर हम बाकी स्टेट की बात करें तो वहां पर जो है मोटिवेट किया जाता है, और इस तरह मोटिवेट अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ही यहाँ का जो है नाम रोशन हो रहा है, तो और भी लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे आपको। एब्सोल्युटली सही बोले आप, जिसमें इसमें अभी दोनों तरफा गलती है, क्योंकि अभी ये जो चीज होती है इनकी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुँचती नहीं है टाइम पे, जब तक पहुँचती है शायद देर भी हो जाता है कभी कभी, हाँ कई ऐसे नज़रअंदाज भी होते होंगे, मगर ये मैं अभी आगे जैसे जैसे सिचुएशन सुधर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि बहुत जल्दी वो चीज़ भी देखेंगे आप, एंड हम ही लोगों के साथ देखोगे आप वो चीज़। सर, हम वो चीज़ देखना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए, जैसा अभी इस बार आप 24 मेडल जीत कर आए, तो देखिए इसका दुगना मेडल आप जीत कर आए और एडमिनिस्ट्रेशन आपको जो रिसीव करे, ये चीज़ हम देखना चाहेंगे हम। एंड हाँ, एब्सोल्युटली। एंड एक और बहुत अच्छी सी बात है, एंड हम लोग को ये बोले कि इन्हीं में से कोई एक अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा जो वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स होने वाला है जो नवंबर में थाईलैंड में, तो इन्हीं में से एक जो है उनको मौका मिलेगा अपने अंडमान एंड इंडिया को दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सही में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 22 लोगों को ये मौका मिलेगा, एंड उसमें से एक अंडमान का होगा। एक आखिरी सवाल सर, देखिए इस वक्त आपको भी पता है, और आप जो है हमेशा ही यूथ को संदेश देते हैं, काफ़ी यूथ जो है गलत रास्ते में जा रहे हैं, आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं जो है अंडमान भी एक हब बन चुका है जहां पर नशे का जो है कारोबार चलता है, तो लोगों को गलत रास्ते, खासकर की जो यूथ है, अगर सही समय पर, जैसा 8 साल का एक बच्चा 8 साल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपके साथ या किसी के साथ भी वो लोग जुड़े, सिर्फ यही नहीं, आप हमेशा ही आप जो है ये संदेश देते हैं कि सिर्फ आपके साथ ना जुड़े, और भी कई काफ़ी तरह का मार्शल आर्ट्स है, तो किसी के साथ भी जुड़े ताकि वो गलत रास्ते में ना जाए और कहीं ना कहीं अंडमान को रिप्रेजेंट करे यहाँ इंटरनेशनली, तो इसके लिए कोई यूथ को संदेश? हाँ जी, मैं ये मानता हूँ कि हेल्दी बॉडी वुड हैव हेल्दी माइंड, तो आप जैसे जितना जैसे अपने बॉडी को ट्रेन करोगे वैसे बॉडी अपना माइंड को ट्रेन करेगा, तो अगर आप
आपको अगर कोई भी इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो देन यू कैन स्टार्ट एनी मार्शल आर्ट, नॉट जस्ट मुए थाई, कोई भी सीख सकते हैं। एंड आप जैसे सीखोगे आपको खुद पता चलेगा कि अपना ख्याल कैसे रखना है, कैसे अपने आप को देखना है। तो पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि अब अपने बच्चों को पुश करें, एक बार पुश करेंगे, जब एक पुश पेरेंट करा तो बच्चा बहुत दूर जाएगा। ये दोनों यूथ को भी है, बच्चे लोग को भी है, ताकि आगे जाके उनका ही सेहत सुधरे और सारे हमारा अंडमान हेल्दी रहे। और आपसे जुड़ने के लिए लोगों से कुछ गुजारिश कीजिए, पेरेंट्स से कुछ गुजारिश कीजिए। मैं ये पेरेंट्स और दोनों यूथ से बात कर रहा हूँ डायरेक्टली इनके थ्रू। मैं ये चाहता हूँ कि आप आए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ ट्रेन करिए एंड अंडमान को रिप्रेजेंट करिए। एंड मेक श्योर कि अभी जो बाहर जाते हैं, बड़े बड़े टीम आते हैं, राजस्थान, असम, बड़े बड़े 100 बच्चे, 150 बच्चे आते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे अंडमान से भी इतने सारे बच्चे जाए एंड हम लोग ओवरऑल चैंपियन बने इन सारे चीज़ों का। एंड वैसे एक तो ये लाइफ स्किल है जो सबको ही सीखनी चाहिए, जैसे आपको कुकिंग हो गया, वैसे ही सेल्फ डिफेंस भी एक लाइफ स्किल है जो सबको सीखनी चाहिए। एंड मैं ये चाहता हूँ कि सारे बच्चे और यूथ आके इसको सीखे, ताकि खुद पे भी कॉन्फिडेंस रहे एंड अपने साथ अभी कुछ घटना घटती है तो अपना खुद का भी सुरक्षा करे। अभी हमारे साथ जो है, जो बच्चे जुड़े हैं, मधु जो है हमारा यंगेस्ट चैंपियन है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है। मधु बेटा, जो आपको जैसे अभी अंडमान को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने पहली बार ही अपना नाम वहाँ रोशन किया एंड अपना अपने अपना एज के लड़कों को इतना अच्छा से डोमिनेट करते हुए इसने गोल्ड मेडल लिया है। तो ये मधु है, इसके एक और लड़का है, वी हैव आदि, उन्होंने भी ऐसे ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए आज हमारे साथ नहीं है, वो लोग वहाँ से कहीं और घूमने गए हैं पेरेंट्स, तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देन अपने पास त्रिलोचन है, जो बहुत ही अच्छे से अंडमान को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है एंड दोनों वाइकुरु और फाइट में। एंड अपने पास जेसी से, दो ये लगातार दूसरी साल गोल्ड मेडल लिए हैं। एंड अपने पास उबादा है, जो पहली बार आए हैं और डबल ब्रॉन्ज लिए हैं, एक फाइट में और वाइकुरु में। एंड देन वी हैव ऋषभ, जो ये कंटिन्यू नॉकआउट करते हुए ऐसे जा रहा है, 30 सेकेंड में मैच खत्म करके वापस आ रहा है, एकदम हमारा शिकारी है, ये शिकार करके आया। एंड देन वी हैव वरुण रंजन एंड अपना कृष्णा, इन्होंने भी फाइट में भी एंड देन वाइकुरु में भी दोनों में परफॉर्म किया है। अपने ईश्वर, जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो बॉक्सिंग हुआ था उसमें सिल्वर लिया था, यहाँ जब नेशनल में गया था बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए इन्होंने पहला अटेम्प्ट में ही ब्रॉन्ज निकाला है, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनका वेट कैटेगरी में नहीं बोल के भी 20 फाइटर्स थे, 20 फाइटर्स, उनमें से इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करके इन्होंने अपना हुनर इंडिया को दिखाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड देन वी हैव अरशद, मोहम्मद अरशद, इन्होंने ये लड़का बम्बू फ्लैट में रहता है, बम्बू फ्लैट में रोज अप एंड डाउन करता है सिर्फ सीखने के लिए। एंड ये अंडमान को एमएमए में भी रिप्रेजेंट किया था, पहला एथलीट है जो यहाँ से अंडमान को रिप्रेजेंट किया एमएमए में, ये इन जयशीष, अरशद एंड वरुण, ये तीनों पहले एथलीट थे जो अंडमान के, जो एमएमए में रिप्रेजेंट करते हुए अंडमान का नाम रोशन किए थे एमएमए में भी। तो अभी ये मुएथाई में इन्होंने इनका भी पहला नेशनल था एंड इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं। एंड देन वी हैव रवि तेजा, इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड देन ही ऑल्सो टुक ब्रॉन्ज मेडल। एंड देन वी हैव प्रदीप जी, जो फाइट में भी ये जैसे सुपरवेट्स हो जाते हैं, सुपरवेट्स में क्या है आपका फाइट भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो प्रदीप भाई जो है इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म, इनका भी पहला नेशनल है एंड ही हैज़ वन टू ब्रॉन्ज मेडल्स। एंड देन वी हैव शिव जो है, यहाँ से इनका जोश तो अलग ही लेवल था, जो खेल खेले इनका खेल से पूरा अंडमान का टीम में फिर वापस जोश भर गया था, क्योंकि हम थक गए थे बहुत ज़्यादा, इन्होंने सबको फिर वापस जगाया अपना खेल से और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। देन वी हैव वेंकट भैया जो है ये लगातार दूसरी नेशनल में आए हैं एंड इस बार भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए अपना ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। एंड देन वी हैव कृष्णा के बारे में बता दिया मैंने। सो ये थे हमारे प्लेयर जो है। एंड नाइसा मुरली हमारी पहली फीमेल थी जो अंडमान को रिप्रेजेंट करते हुए, वो जाके इस बार भी एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज ली है। एंड देन वी हैव रूहान, ही ऑल्सो डिड अ वेरी गुड जॉब एंड उन्होंने भी सिल्वर लिया है। ये जो लोग हैं हमारे साथ अभी नहीं है, मगर ये लोग अंडमान के लिए बहुत मेहनत करते हैं एंड इन्होंने अंडमान के लिए इतने सारे मेडल लेके आए। मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग इनको अप्रिशिएट करें एंड इनको शाबाशी दे, ताकि ये लोग ऐसे ही काम करते रहे और बहुत सारे मेडल अंडमान और इंडिया को लेके आके दे।
एंड आपको भी ये तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, जब भी बुलाए आप हमारे साथ जुड़े थे। ये हमारा चौथी नेशनल है, मैं ये मैं ये मानता हूँ कि और 3-4 नेशनल में हम 100-100 मेडल लेके आएंगे, एंड आप हमारे साथ ऐसे जुड़ के हम लोग को सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच रोहित भाई। का नाम क्या है? जयशीष। कैसा लगा? अच्छा। कहाँ गए थे आप खेलने? असम। वहाँ पर फाइट कैसी रही? वहाँ पर बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी। कितने मेडल जीते? दो। दो दो सिर्फ दो? और नेक्स्ट टाइम 10 जीत के लिए? पक्का? श्योर? एक साथ कितना फाइट कर सकते हो? कर सकते हो मिनट का? कितना? 100 कर लिया। 100 बेटा। आपका नाम? हाँ। कितना मेडल जीते हो? दो। कौन से क्लास पे हो? थर्ड। थर्ड। कितने लोगों को एक साथ फाइट कर सकते हो आप? दो लोगों को। पक्का? कॉन्फिडेंस? आपका नाम? त्रिलोचन। कहाँ से हो आप? अंडमान निकोबार। कहाँ पे रहते हो? यहाँ शादीपुर। शादीपुर। कौन से क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। कितने मेडल जीते आप? दो। एक साथ कितने लोगों के साथ फाइट कर सकते हो? पांच। पांच? पांच लोगों के साथ? श्योर? तो इस वक्त हमारे साथ और एक स्टूडेंट है, और हमें बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि स्टेट आइलैंड से जो है ये बिलोंग करते हैं। इनका नाम ऋषभ है, और इन्होंने भी जाकर जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार का नाम ही नहीं, इंडिया का नाम भी रोशन किया है, क्योंकि ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं। इनके पेरेंट्स भी इनके साथ हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। बताइए। मेरा नाम ऋषभ है और मैं स्टेट आइलैंड से बिलोंग करता हूँ। मैं इस UMI मुए थे नेशनल्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता, और मैंने दो मैच खेला, उसमें दोनों मैच में 30-30 सेकंड में नॉकआउट निकाला। आप पहली बार जो है यहाँ से बाहर गए हो इस खेल के लिए, नेशनल के लिए, राइट? जी, पहले बार। जी, तो वहाँ पर कितना टफ था? टफ तो बहुत था, ओपोनेंट बहुत टफ था, फिर भी कैसे कैसे करके मैंने नॉकआउट निकाल दिया और मैच जीत दिया। और ऑल ओवर इंडिया से थे, सिर्फ एक जगह से अगर होते तो वो अलग बात होती, और इतना जगह से जो मतलब अंडमान ही नहीं, अंडमान निकोबार से तो आप गए हो, लेकिन इंडिया के बाकी सारे स्टेट यूटी से आना बोलने से काफ़ी जो है उसके लिए मुशक्कत करनी पड़ती है, और वो लोग जो है हमारे यहाँ से काफ़ी मतलब ट्रेंड होते हैं, राइट? जी, बहुत हम लोग से ज़्यादा वो लोग ट्रेंड होते हैं। तो आप ये बताइए ना, वहाँ पर जाके फाइट इतना मतलब टफ होता है, और वो लोग जो है हाईली ट्रेंड होते हैं? हाँ, वो लोग हाईली ट्रेंड तो होते हैं, पर हमने भी यहाँ पर मेहनत किया है, वहाँ पे जाके मैंने भी नॉकआउट किया बस। तो ये बताइए जगदेका सर का कितना सपोर्ट रहे? सर ने पूरा सपोर्ट किया, सबका, सारे जगह से सपोर्ट मिला, घर से भी सपोर्ट मिलता है, सर का भी पूरा सपोर्ट मिलता है, सब कुछ मिलता है सर, और पापा से भी मिलता है, मम्मी से भी, बहन से, सबसे मिलता है सब कुछ। तो नेक्स्ट बार जो है, अभी इस बार आपने जो है एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया, नेक्स्ट बार और कितना करेंगे, और इससे अच्छा जो है और अच्छा आप जो है परफॉर्मेंस करेंगे, राइट? जी, और अच्छा करूँगा, और एक मैच भी हारने का रिकॉर्ड है सब बनाऊंगा। अच्छा, नहीं हारूंगा करके। डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड जीता। अच्छा? यह भी डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग हुआ था, उसमें भी गोल्ड मारा, गोल्ड जीता है। तो जैसा हमने अभी ऋषभ से बात किया, तो उसकी बहन भी हमारे साथ है, तो आइए हम उनसे भी दो शब्द सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम जुरोल है, मैं 12th में पढ़ती हूँ, और ऋषभ मेरा भाई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम स्टेट आइलैंड से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पे मतलब उतना सुविधा नहीं है, फिर भी हम ये लास्ट ईयर ज्वाइन किया था। इवन बारिश हो, कुछ भी हो, डेली प्रैक्टिस बराबर इनका होता था सर की वजह से, सर भी बहुत सपोर्टिव थे, पेरेंट्स भी थे, तो डेली हार्डवर्क एज एन एथलीट, मुझे खुद पता है कि मतलब हार्डवर्क कितना इम्पॉर्टेंट है करके, और वो भी नेशनल में गोल्ड लाना, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे आइलैंड के लिए भी बहुत गर्व की बात है। हमारे यहाँ पे पहले इंसान जो नेशनल में गोल्ड लाए हैं, हमने भी बहुत ट्राई किया था, बट हम भी कुछ मतलब
थोड़ा फेल हो गए थे, बट इसने हमारा नाम रोशन कर दिया है। तो कुछ मैसेज हमारे मैसेज यही है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। मतलब इवन इसका फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम बोलने से तो सबको नर्वस लगेगा कि हाँ हम हार जाएंगे, वो हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कैसे होंगे। right. हम यहाँ पे छोटे से यूटी से बिलोंग करते हैं और वो वहाँ पे वेल ट्रेन्ड होते हैं और इतने फाइटर्स और इतने स्टेट से लोग हैं, तो आप इतने स्टेट यूटी से जो लोग हैं और हम एक छोटे से आइलैंड से निकल कर बाहर जा रहे हैं और देखिए 24 मेडल जीते हैं, तो काफी मैं आपको बता दूं कि ये प्राउड मोमेंट है। और आपके भाई ने भी जो एक गोल्ड मेडल जीता है, तो और आपका भाई का ये कहना है कि इस बार तो सिर्फ एक सिंगल था, लेकिन नेक्स्ट बार जो है वो इससे कड़ी मेहनत करेंगे और इससे ज्यादा जो है मेडल लाएंगे और अंडमान निकोबार का नाम जो है रोशन करेंगे। जी, पूरे अंडमानी इंडिया का नाम भी रोशन अच्छा, करेंगे जी। फ्यूचर में डेली ऐसी हार्डवर्क करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। ऋषभ के फादर भी है हमारे साथ, ये इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम बताइए, कैसा लग रहा है आपको, आपका बेटा जो है अंडमान से बाहर जाकर गोल्ड मेडल जीत कर रहा है? अच्छा लगा जी, और आगे भी कर रहे हैं जी। और ये बताइए ना, एक छोटे से द्वीप समूह से निकल कर बाहर जाकर मेडल जीतना कितनी खुशी की बात है, और सिर्फ अंडमान ही नहीं हमारे इंडिया को भी जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए आप लोग जो है एक ट्राइबल समूह, आप लोग जो है ट्राइबल समुदाय से बिलोंग करते हैं और अभी सब यहाँ पर जो है बराबर है। हम इसमें जो है बिल्कुल ये नहीं कहते कि ये अलग है ये अलग है, लेकिन हम सब एक साथ रहते हैं यहाँ पर। तो दो शब्द जो है आप कुछ बताइए। हम लोग स्टेट आइलैंड का ट्राइबल्स है, स्टेट आइलैंड का ग्रेट अंडमान है जी। जो लड़का खेल के आए अच्छा तो खेला और आगे भी खेलेगा जी। और हम लोग अंडमान और स्टेट आइलैंड छोटा सा एक द्वीप है जी, उसे में हम लोग रहता है। और तो मतलब आप बहुत खुश हो, राइट? खुश से बहुत। और हम लोग ये न्यूज आप तक को थैंक्स बोलना चाहते हैं कि मतलब ये सब कवरेज करने के लिए, क्योंकि आजकल तो ये स्पोर्ट्स उतना, मतलब स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है बट उनको उतना मोटिवेशन सपोर्ट ये सब मतलब सारा जगह से नहीं मिलता, तो इसीलिए न्यूज आप तक को धन्यवाद हमारा कवरेज करने के लिए, ताकि और भी बच्चे आगे जाए और उनको भी मोटिवेशन मिले ऐसा एक मुकाम हासिल करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो जैसा हम आपको बता दें कि मुताई नेशनल 2024 गुवाहाटी आसाम में हुआ था और अंडमान निकोबार की जो टीम है और जो कोच है जगदेका सर, उनसे हमने बात किया और जो है इन्होंने अंडमान निकोबार का नाम रोशन किया, 24 मेडल जो है जीत कर आए हैं। तो सर से हमने बात किया, बच्चों से हमने बात किया और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जैसा सर ने यह कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उन्हें जो है स्पॉन्सर्स मिले हैं, तो हम आशा करते हैं कि जैसा इस बार इन्होंने जो 24 मेडल जीते हैं और नेक्स्ट टाइम 100 के 100 जो है ये मेडल जीत कर आए और अंडमान निकोबार का नाम और रोशन करें। और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी वजह से जो है ये सब पॉसिबल हुआ है, क्योंकि टिकट जो फ्लाइट टिकट का रेट है वो काफ़ी हाई है और कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों को छोटा सा सपोर्ट कर रहे हैं तो इन सब लोगों के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो नेक्स्ट टाइम जो इससे ज़्यादा और लोग सपोर्ट करें, बस हम यही चाहते हैं। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं रोहित, कैमरा विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।